कमलनाथ ने भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच जनता के नाम एक संदेश जारी किया है और तमाम अटकलों के बाद कमलनाथ की तरफ से ये पहला बयान भी माना जा सकता है। कमलनाथ ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट साझा किया है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी का नाम लेकर जनता से एक अपील की है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की अगुवानी के लिए उत्साहित है। कमलनाथ ने पोस्ट में लिखा, अन्याय अत्याचार और शोषण के खिलाफ हम सबके नेता राहुल गांधी पूरे देश में सड़कों पर उतरकर एक निर्णायक लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। मैं मध्य प्रदेश की जनता और कांग्रेस के जाबाज कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर राहुल गांधी का संबल और साहस बने। हम और आप मिलकर अन्याय के खिलाफ जारी इस महाअभियान को अंजाम तक पहुँचाएंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को राजस्थान के धौलपुर से एमपी के मुरैना में एंटर करेगी। एमपी में यात्रा 5 दिनों तक चलने वाली है। मुरैना में एंट्री के साथ ही राहुल गांधी की पहली सभा भी होगी। इसके बाद राहुल गांधी नुक्कड़ सभाओं और रोड शो के जरिए लोगों को संबोधित करेंगे। वहीं 6 मार्च को राहुल गांधी धार जिले के बदनावर में आदिवासियों के बीच भी सभा करेंगे। वहीं आपको बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर 26 फरवरी से 1 मार्च तक ब्रेक रहने वाला है क्योंकि राहुल गांधी 27 और 28 फरवरी को इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाकर लेक्चर देंगे। इसी यूनिवर्सिटी से राहुल गांधी ने पढ़ाई भी की है। इंग्लैंड से लौटने के बाद राहुल गांधी 2 मार्च को राजस्थान के धौलपुर से फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे। फिर उनकी यात्रा एमपी के मुरैना के बाद कई जिलों को कवर करेगी। 5 मार्च को राहुल गांधी उज्जैन महाकाल के दर्शन भी कर सकते हैं।